भारत में अमीरों और आय कम वर्ग के लोगों के बीच हमेशा से गहरी खाई रही है। कोरोना काल में तो संपन्नता का ये अंतर और ज्यादा हो गया। खुद सरकार के इंडिया गेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 के मुताबिक देश की 50% से ज्यादा संपत्ति और नकदी महज 10% अमीरों के पास है। कोरोना ने लोगों की आमदनी पर जमकर प्रहार किया है। इस बेरहम महामारी ने जिंदगी छीनी है तो कहीं नौकरियां और रोजगार के जरिए भी तहस नहस कर दिए हैं। इससे संपन्नता का संतुलन खराब हो गया है, लेकिन ये संतुलन पहले भी अमीरों के पक्ष में झुका हुआ था। सरकार के इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 के मुताबिक भारत के 10% अमीरों के पास देश की फिजिकल और वित्तीय संपत्ति का आधा हिस्सा मौजूद है, जबकि देश की 50% आबादी फिजिकल और वित्तीय संपत्ति में महज 10% हिस्सेदारी रखती है। अगर इस अनुपात को शहरी और ग्रामीण इलाकों में बांटकर देखा जाए तो फिर हालात और गंभीर हो जाते हैं। देश के 10% अमीरों के पास शहरी इलाके में 55.7% और ग्रामीण इलाके की संपत्ति का 50.8% हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि इस अंतर से समाज के अलग अलग वर्गों का अंतर ज्यादा गहरा रहा है। जनवरी दिसंबर 2019 के बीच किए गए एक सर्वे के नतीजों के मुताबिक देश के कई राज्यों में वित्तीय असमानता की स्थिति ज्यादा बदतर है। दिल्ली में 10% अमीरों के पास कुल संपत्ति का 81% हिस्सा मौजूद है, जबकि निचले तबके की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का महज 2.1% हिस्सा है। पंजाब में 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 65% हिस्सा मौजूद है, जबकि निचले तबके की 50% आबादी के पास केवल 5% संपत्ति है। इस सर्वे में बिल्डिंग, जानवर और वाहन जैसे फिजिकल एसेट्स को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सर्वे में कंपनियों के शेयर, बैंक, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट वगैरह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस सर्वे में संपत्ति की गणना मौद्रिक आधार पर की थी। इसमें ये तय किया गया कि किस परिवार के पास कितनी संपत्ति है। आज तक ब्यूरो।